पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। इस मौके पर दोनों रहनुमा शरीक हुए। ईरान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। दो तरफा वफूद की सतह पर बातचीत भी हुई। दौरा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर इब्राहिम रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वन ऑन वन मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। इस मौके पर दोनों रहनुमा शरीक हुए। ईरान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक कर लिया गया। वन ऑन वन मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने कहा कि आम इंतखाबात के बाद ईरानी सदर पहले ऐसा ब्राहे मुमलिकत हैं जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, उनकी आमद पर मशकूर हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दोनों मुल्कों के माबैन तजारत और मवासलाती रवाबित बढ़ाने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म की जानिब से ईरानी सदर और उनके वफ्द के एजाज में जोहरा भी दिया गया। इससे कबल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। नूर खान एयरबेस पर अस्करी सिफारती नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर ईरानी सदर को गुलदस्ता पेश किया गया। सदर को आने वाले नुमाइंदों का तारुफ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।